अभी भी हमें नहीं लगता कि ये सही तरीके से इसकी जांच हो रही है और ये एक लिपापोती करी जा रही ताकि ये डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ है उसको हटाया जाए, किसी को किसी तरह से उनको सामने न आने दिया जाए। इसके लिए ये समय मांग रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई है वो भी अभी हिमाचल पुलिस ही कर रही है। हमको डॉक्यूमेंट दिखाएं कि कब आपने इसको सीबीआई को दिया और क्या प्रूफ है हमारे पास कि सीबीआई इसकी जांच करे। खतरनाक बात और क्या हो सकती है कि इनकी सरकार और इनकी सरकार के डीजीपी पुलिस जो उसमें मुख्यतः इन्वॉल्व है और उन्हीं के डिपार्टमेंट में ये है, उनको सामने आना चाहिए था, सामने हर बात का प्रश्न का जवाब देना चाहिए और वो इसके लिए अपनी जिम्मेवारी को कबूल करे और कहे कि हमारी डिपार्टमेंट में ये सारी धांधलियां हुई है। मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल जो इन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हम इस सरकार की बहुत आलोचना करते हैं कि इन्होंने कहां तो नौकरियां देने की बात की थी और ये कहा था कि हम एक साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे। इनके प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उस तरीके की बातें की थी, लोगों को बहुत सी आशाएं थी हमारे को नौकरियां मिलेगी, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी। अंततः कितना समय बीत गया, अब तो 7 साल होने को आगे, कोई इन्होंने ऐसी नौकरी नहीं दी। जब ये पुलिस भर्ती में लगा कि अब इसमें भर्ती होने जा रही है तो बहुत से माँ बाप थे जिनको ये था कि शायद हमारे को बच्चों को रोजगार मिल जाए, तो उन्होंने भी इसके लिए बहुत मेहनत की, बच्चों से मेहनत करवाई, बहुत प्रयास किए और जब उनको लगता था कि अच्छे नंबर हासिल हो गए हैं, अब हमारे बच्चे को शायद पुलिस विभाग में नौकरी मिलेगी। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इन बच्चों के भविष्य के साथ, उन परिवारों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इस भाजपा सरकार ने किया और इनका डिपार्टमेंट जो इसमें पूरी तरह से लिप्त है वो इसकी जवाबदेही करे, सामने आए और सामने आकर बात करे। कांग्रेस की बड़ी बात हो गई और इनकी तरफ से ना तो कोई स्टेटमेंट आ रही है, ना ये किसी तरीके का आश्वासन दे रहे हैं और ना ही इनके जो पुलिस विभाग के लोग हैं जो इसमें पूरी तरह संलिप्त थे, जिनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी और ये कहकर सामने आना चाहिए था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, देखेंगे कि कौन इसमें है दोषी, उनको किस तरीके का दंड देना चाहिए। कांग्रेस का पहले स्टैंड कहा था हमने का, जब हमें लगेगा कि प्रदेश की सरकार इसको गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही तो हमने कहा था कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि फिर ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो हमारी डिमांड पे ही इस सरकार ने फिर इस कहा कि हम इसको सीबीआई को हैंड ओवर करें। यूथ कांग्रेस का भी दौरा है, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जिस मिशन को लेकर हमारे बच्चे यूथ कांग्रेस के बच्चे आज धरने पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो आपको दिख रहा है कि कितने गंभीर वो इस विषय को लेकर है। तो हम इस विषय को सरकार के सामने भी उठाना चाहते हैं और बार बार इसकी मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों ने धरना देकर अनशन किया है तो इनकी मांग को भी प्रायोरिटी पर सुना जाए, इनकी जो डिमांड है उसके ऊपर भी वो। मेरे प्यारे बालो फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना, मैं जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं, कल तो करा था आज क्या हो गया। लाइफ टाइम टीवी और मैं ना भूला नहीं यार, मैं एक दिन इसको देखे इसकी शक्ल में चुप करा दिया। कैंपस के